जय साई राम। नमस्कार, मैं बृजमोहन सूरी आज आपको रविवार का उपाय बताने जा रहा हूँ। और आप जानते हैं सावन का महीना है और सावन के महीने का रविवार है। रविवार का उपाय करने से सूर्य बलि होते हैं और जब सूर्य बलि होते हैं तो हमारे सभी कार्य अपने आप बनने लगते हैं। हमारे में तेज आ जाता है, वाणी में प्रभाव आता है और हमारे में जोश आता है, यानी प्रत्येक कार्य कर गुजरने का जोश। कहते हैं डर के आगे जीत है, परंतु जब सूर्य बलि हो तो व्यक्ति को डर लगता ही नहीं और सब कार्य वह खुद पे खुद करने लगता है। अब जानते हैं सावन का महीना है। मैंने एक भाग्यशाली चमत्कारी अंगूठी की वीडियो डाली हुई है, वो अवश्य देखिएगा। वो क्या है उसको अवश्य देखिए, क्योंकि बहुत बड़ा नायाब तोहफा एक मानव जाति के लिए है, वह अवश्य देखिएगा। तो रविवार का उपाय है, आज आपने आटा, पिसा हुआ आटा और गुड़, आटे में गुड़ इस तरह रखना है कि गुड़ नज़र ना आए, चाहे एक पीस ही रखें, और फिर उसे दान करें, चाहे धर्म स्थान में दें, चाहे किसी गरीब को दें, चाहे जल प्रवाह कर दें, चाहे किसी वृक्ष के पास छोड़ के आ जाएं, तो आपको बहुत तेज़ी से लाभ होगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि वृक्ष के पास या जल प्रवाह करने से क्या दान होता है। बिल्कुल होता है, क्योंकि वृक्ष के पास बहुत सारे जीव जंतु उसे खाते हैं, और यदि परमात्मा ने चाहा तो कोई गरीब उठाकर भी ले जाएगा। और जल प्रवाह में बहुत सारी मछलियाँ या जो जीव जल में रहते हैं वो सेवन करते हैं। सब में परमात्मा की दी हुई आत्मा है और परमात्मा आत्माओं को गिनते हैं। अब आप यदि लंगर लगाते हैं, 1000 व्यक्ति को खाना खिलाते हैं, तो आपका खर्चा आएगा करीब करीब 1-2 लाख। परंतु यदि आप 1 लाख चींटी को खाना खिलाते हैं तो आपका खर्चा आएगा 100-200 रुपये और फल एक सा मिलेगा। ये परमात्मा का एक नियम है। यदि आपका कोई सवाल हो तो व्हाट्सएप कीजिए, और यदि आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हो तब भी व्हाट्सएप कीजिए। नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।